हमें स्टडी करना है 1.1 फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शन स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे समराइज किए हूँ हेडिंग के साथ, जैसे प्रेजेंट करना है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइंड फॉर्म। आपने अपने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल स्टडी की थी उसमें यह था कि 1000 बच्चों ने कामयाबी हासिल की, 1000 बच्चों ने एग्जाम पेयर किया, तो वो क्लियर नहीं होता जब तक आप ये ना बता दें कि 1000 बच्चों ने बीएड के एग्जाम दिए उसमें से 900 बच्चे पास हुए, मतलब के 90% रिजल्ट है। तो ये आपका क्या कर रहे होंगे, एग्जैक्ट मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसका पहला फंक्शन है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। सेकंड फंक्शन है टू सिंपलीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। अनमैनेजेबल बहुत ज्यादा जो डेटा है या कॉम्प्लेक्स पेचीदा डेटा है उसको आप क्या करें, सिंपलीफाई करें। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप उसको टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो उनके एवरेज और वो सिंपल फॉर्म में शो हो। ये फंक्शंस हैं स्टैट्स के। थर्ड जो है टू यूज टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन। आपने टेक्निक यूज करनी है क्या कर सके, हम कंपैरिजन कर सके एक से ज्यादा चीजों की, जैसे आप एवरेज कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स कर सकते हैं, रेट्स कर सकते हैं और रेशियोस को यूज कर सकते हैं। फोर्थ फंक्शन है टू अनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। आपने अनलार्ज करना है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से। जो एक बंदा मुतालिया करता रहता है, इनाम हासिल करता रहता है, उसका नॉलेज इंप्रूव होता रहता है। जो स्टैट्स के फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने आते हैं उसे क्या हो रहा है, एक पर्सन के एक इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो बढ़ता चला जाता है। फिफ्थ फंक्शन है टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज बनानी है उसमें क्या करे, ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि इस तरह गवर्नमेंट कौन जीतेगी, गवर्नमेंट को कितने प्रोडक्शन की जरूरत है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गंदम चाहिए, कितना राइस चाहिए, ताकि ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए या पॉलिसीज बनाने के लिए आपको स्टैट्स बहुत ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। सिक्स फंक्शन टू अनेबल मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिनोमिना। क्या मतलब है, ये आपको बताती है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सके, अनेबल करती है मैग्नीट्यूड फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन, एस्टिमेशन लगा सकते कि जैसे भी मैंने ऊपर वाली चीज को ही इलैबोरेट करें, क्या आपको कितनी क्वांटिटी में, क्या पॉपुलेशन है आपकी कंट्री में और कितनी क्वांटिटी में आपको गंदम चाहिए, राइस चाहिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें चाहिए। ये तमाम की तमाम जो है ये स्टैट्स के फंक्शंस हैं।